मिसेज इंडिया 2024 का खिताब जमशेदपुर की मीता घोष के नाम। जमशेदपुर, 2 नवंबर, शहर की बेटी मीता घोष ने दिल्ली में आयोजित B&B मिसेज इंडिया 2024 का खिताब जीतकर जमशेदपुर और झारखंड का नाम रोशन किया है। रिफ्लेक्शन नेटवर्क इवेंट के बैनर तले आयोजित इस प्रतियोगिता में मीता ने देश भर से आए प्रतिभागियों के बीच अपना परचम लहराया। परसुड़िये की रहने वाली मीता घोष एक सफल बिजनेसवुमन है और अंकिता इंफ्राटेक नामक रियल एस्टेट कंपनी की डायरेक्टर हैं। इसके अलावा वे झारखंड में एक प्रसिद्ध योगा ट्रेनर और सोशल एक्टिविस्ट के रूप में भी जानी जाती हैं। ब्यूटी प्रोडक्ट्स की अनुशंसा में उनकी अलग पहचान है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीता ने अपनी इस सफलता का श्रेय अपने माता पिता, पति और मार्गदर्शकों आशा सिंह और सत्यजीत सिंह को दिया। उन्होंने बताया कि प्रतियोगिता के तीनों चरणों में उन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन किया और अंतिम परिणाम में उन्हें मिसेज इंडिया 2024 के खिताब से नवाजा गया। वहाँ पे आपको इवेंट में किस तरीके से आपको ये सम्मानित किया गया, इन सभी चीजों के बारे में बताइए और कैसा आपको आप फील हो रहा है जो आप इस छोटे से शहर में जाकर दिल्ली पहुंचे। पहले तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, मैंने इस जगह से, मैंने 2023 से अपना जर्नी स्टार्ट किया, उसके बाद 2024 में मुझे मेरा कलर इंडिया का एक खिताब मिला तो मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। हमने बहुत ही रेडी किया था, सतीश सर ने मुझे सिखाए थे, सतीश सर हमारा ग्रूमर है और आशा जी ने हम लोग को इंकरेज किया जाने के लिए, चलो हम लोग बेटा हमारे के साथ जाते हैं अच्छी तरह से, और हमारा टीम था, हम लोग सब सब मिलके गए थे, बहुत ही अच्छा रहा। और वहाँ पे 35 कंटेस्टेंट थे, उसमें से मुझे मुझे ये जगह मिला, इस इंडिया का खिताब मिला, वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। बात करें जमशेदपुर में और भी कई ऐसे जो है जो इस लाइन में आना चाहते लेकिन कहीं ना कहीं उनको सपोर्ट नहीं मिल रहा है और शहर छोटा होने के कारण भी, वैसे लोगों को क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से वो आगे आए और अपने टैलेंट को दिखाना चाहेंगे? तो पहले तो ये छोटे शहर है मानते हैं, मगर हमारे जमशेदपुर में बहुत टैलेंट है। हम ये चीज देखिए, मतलब हम अपने करियर के जब से शुरुआत की तब से अभी तक तो मुझे लगा जमशेदपुर में भी बहुत टैलेंट है। यहाँ पहुंचने के लिए सबसे पहले आपको अच्छा ग्रूमर खोजना पड़ेगा, जैसे सतीश सर ने मुझे हेल्प किया ग्रूमिंग के लिए, कैसे चलना है, कैसे बोलना है, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, या आपको ग्रूमिंग कैसे देना है, आपको बात कैसे करना है, सारा ग्रूमिंग होता है, ये ग्रूमिंग सेशन होता है, वो सर ने हम लोग को ट्रेनिंग दी है। तो मैंने फर्स्ट मेरा एक्सपीरियंस था टाटा स्टील का, जिसमें मैं विनर बनी, उसमें मेरा ये था रनर अप का था, और उसके बाद मैंने चार्टिंग में विनर बनी, पर मेरा एक एक दो दो करके मेरा बहुत सारा टाइटल, 7 ऐसा टाइटल मिला है।